क्वेश्चन नंबर एटीन कल्चरल मैप आर ऑप्शन है कैडस्ट्रल मैप टोपोग्राफिकल मैप वॉल मैप एंड एटलस मैप ऑप्शन भी map, 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 है एस्ट्रोनोमिकल मैप रिलीफ मैप ओशन मैप एंड सोइल मैप ऑप्शन सी है क्लाइमेट मैप वेजिटेशन मैप वेदर मैप एंड जियोलॉजिकल मैप एंड ऑप्शन डी है पॉलिटिकल मैप लैंग्वेज मैप हिस्टोरिकल मैप एंड पोल्यूशन मैप तो कल्चरल मैप क्या है पॉलिटिकल मैप लैंग्वेज मैप हिस्टोरिकल मैप एंड पॉपुलेशन मैप क्वेश्चन नंबर नाइनटीन फिजिकल मैप आर ऑप्शन है कैडिस्ट्रल मैप टोपोग्राफिकल मैप वॉल मैप एंड एटलस मैप ऑप्शन बी है क्लाइमेटिक मैप रिलीफ मैप ओशन मैप एंड सोइल मैप ऑप्शन सी है लैंड यूटिलाइजेशन मैप ट्रांसपोर्टेशन मैप एंड सोशियो कल्चर मैप एंड डी है पॉलिटिकल मैप लैंग्वेज मैप एंड हिस्टोरिकल मैप एंड पॉपुलेशन मैप तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्लाइमेटिक मैप रिलीफ मैप ओशन मैप एंड सोइल मैप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू स्केल मैप आर क्लासिफाइड इनटू ऑप्शन ए है कैडिस्ट्रियल मैप टोपोग्राफिकल मैप वाल मैप एंड एटलस मैप ऑप्शन बी है क्लाइमेटिक मैप रिलीफ मैप ओशन मैप्स एंड सोइल मैप्स ऑप्शन सी है लैंड यूटिलाइजेशन मैप्स ट्रांसपोर्टेशन मैप एंड मेट्रोलॉजिकल मैप्स ऑप्शन डी है पॉलिटिकल मैप्स लैंग्वेज मैप हिस्टोरिकल मैप्स एंड पॉपुलेशन मैप तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्केल के अकॉर्डिंग मैप को हम लोग किसमें डिवाइड करते हैं कैडेस्ट्रियल मैप टोपोग्राफिकल मैप वाल मैप एंड एटलस मैप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू पर्पस मैप आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू तो ऑप्शन है पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल मैप ऑप्शन बी है वर्ल्ड मैप एंड एटलस मैप ऑप्शन सी है फिजिकल एंड कल्चर मैप एंड ऑप्शन डी है ऑशन एंड रिलीफ मैप तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फिजिकल एंड कल्चरल मैप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द नेटवर्क ऑफ पैरल्स एंड मेरेडियन सो फोम इन अ मैप प्रोजेक्शन इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ पैरल्स एंड मेरेडियंस सो इन अ मैप प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑप्शन है ग्रेटिक्यूल्स ऑप्शन बी है लेटीट्यूड ऑप्शन सी है लॉन्गिट्यूड एंड ऑप्शन डी है इक्वेटर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है ग्रेटिक्यूल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन मैप प्रोजेक्शन आर क्लासिफाइड इन तो ऑप्शन है स्टोग्राफिकल प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन ऑप्शन बी है परसपेक्टिव एंड नन प्रस्पेक्टिव मैप प्रोजेक्शन ऑप्शन सी है जेनिथल प्रोजेक्शन एंड कन्वेंशनल प्रोजेक्शन एंड ऑप्शन डी है ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन एंड एजी प्रोजेक्शन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर प्रस्पेक्टिव मैप प्रोजेक्शन इंक्लूड ऑप्शन है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑप्शन बी है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन एंड कॉनिकल प्रोजेक्शन ऑप्शन so, सी है जेनिथल प्रोजेक्शन एंड कन्वेंशनल प्रोजेक्शन एंड ऑप्शन डी ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन एंड एजी प्रोजेक्शन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन द फैमिली ऑफ प्रोजेक्शन मैप प्रोजेक्शन आर क्लासिफाइड इन ऑप्शन ए है इक्वल एरिया ट्रू सेप ट्रू डायरेक्शन एंड ट्रू स्क्ल प्रोजेक्शन ऑप्शन बी है पोलर इक्विटोरियल एंड ओब्लिक प्रोजेक्शन ऑप्शन सी है रेक्टेंगुलर इलेप्टिकल सर्कुलर एंड बटरफ्लाई सेप प्रोजेक्शन एंड ऑप्शन डी है सिलेंड्रिकल कॉनिकल जेनिथल एंड कन्वेंशनल मैप प्रोजेक्शन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल कॉनिकल जेनिथल कन्वेंशनल मैप प्रोजेक्शन बेस्ट ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक मैप प्रोजेक्शन आर क्लासिफाइड इन ऑप्शन ए है इक्वल एरिया ट्रू सेप ट्रू डायरेक्शन एंड ट्रू स्केल प्रोजेक्शन ऑप्शन बी है पोलर इक्विटोरियल एंड ओब्लिक प्रोजेक्शन ऑप्शन सी है रेक्टेंगुलर इलेप्टिकल सर्कुलर एंड बटरफ्लाई सेप प्रोजेक्शन एंड ऑप्शन डी है सिलेंड्रिकल कॉनिकल जेनिथल एंड कन्वेंशनल मैप प्रोजेक्शन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन इक्वल एरिया ट्रू सेप ट्रू डायरेक्शन एंड ट्रू स्केल प्रोजेक्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखेगा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन से ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है बोन्स प्रोजेक्शन इज अ ऑप्शन है सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन ऑप्शन बी कॉनिकल मैप प्रोजेक्शन ऑप्शन सी जेनिथल मैप प्रोजेक्शन एंड ऑप्शन डी कन्वेंशनल मैप प्रोजेक्शन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कॉनिकल मैप प्रोजेक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट मार्केटर प्रोजेक्शन इज अ ऑप्शन है सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन ऑप्शन बी क्वनिकल मैप प्रोजेक्शन ऑप्शन सी जेनिथल मैप प्रोजेक्शन एंड ऑप्शन डी कन्वेंशनल मैप प्रोजेक्शन तो अभी हम लोगों ने देखा जो कॉनिकल मैप प्रोजेक्शन था वो क्या था बोन्स प्रोजेक्शन था और जो मार्केटर प्रोजेक्शन है वो, वो कौन सा प्रोजेक्शन पर बेस्ट है तो वो बेस्ट है हमारा सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन मार्केटर प्रोजेक्शन इज आल्सो नोन एज ऑप्शन ए ट्रू डायरेक्शन एजी मुथल प्रोजेक्शन ऑप्शन बी वल एरिया और होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑप्शन सी है कन्फॉर्मल और ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन एंड ऑप्शन डी है सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन क्वेश्चन नंबर थर्टीन बोन्स प्रोजेक्शन वाज इन्वेंटेड बाय ऑप्शन है रिगोबर्ट बोन्स ऑप्शन सी है रिचर्ड बोन्स ऑप्शन सी है रॉबर्ट बोन्स एंड ऑप्शन डी है क्रेडस बोन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिगोबर्ट बोन्स मार्केटर प्रोजेक्शन वाज डिवाइज बाय ऑप्शन ए है रॉबर्ट मार्केटर ऑप्शन बी है विलियम मार्केटर ऑप्शन सी है जोसेफ मार्केटर एंड ऑप्शन डी है ग्रेडियस मार्केटर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ग्रेडियस मार्केटर देखिए इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं मार्केटर प्रोजेक्शन को किसने इन्वेंट किया था गुड मॉर्निंग ग्रेडियस मार्केटर ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है रेडियस ऑफ फर्थ इक्वल्स तो इसको याद ऐसे रखिएगा सिक्सटी फोर के बाद सेवन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इन डॉट मेथड इफ वन डॉट ऑन अ मैप रिप्रेजेंट टू थाउजेंड परसन एक डॉट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है टू थाउजेंड परसन सो टू लाख फोर्टी थाउजेंड पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया विल बी रिप्रेजेंटेड बाई कितने डॉट्स से हम लोग टू लैख फोर्टी थाउजेंड पर्सन था। को डिनोट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं टू लैख फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू थाउजेंड तो ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल जीरो ज़ीरो कैंसिल ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल टू जा और यहाँ एक जीरो तो तू वन ट्वेंटी डोट्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी थर्टी फोर है द वर्ड कोरोप्लेथ इज डिराइव फ्राम ऑप्शन है लेटिन वर्ड ऑप्शन बी है अरब वर्ड ऑप्शन सी है रोमन वर्ड्स एंड ऑप्शन डी है ग्रीक वर्ड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ग्रीक वर्ड क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वी हैव टू फाइंड आउट क्यूब रूट इन ऑप्शन है इस डायग्राम डाइग्राम ओपर पर्सनल सर्कल ऑप्शन सी है कोरोप्लेथ मेथड एंड ऑप्शन डी है फ्लो डायग्राम तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है इस्पेरिकल डायग्राम क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स टोपोग्राफिकल मैप प्रोड्यूस बाई द सर्वे ऑफ इंडिया द सीट नंबर इज रिटर्न इन ऑप्शन है द बोटम राइट कॉर्नर ऑप्शन बी है टोप लेफ्टनर ऑप्शन सी है द बोटम लेफ्ट कॉर्नर एंड ऑप्शन डी है द टोप राइट कॉर्नर तो जो टोपो सीट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसमें सीट नंबर कौन से साइड होता है टोप राइट कॉर्नर में ऑप्शन नंबर थर्टी सेवन द सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन ऑप्शन है सेवनटीन सिक्सटी सेवन ऑप्शन बी है सिक्सटीन सेवनटी सिक्स ऑप्शन सी है सेवनटीन सेवनटी सिक्स ऑप्शन सी है सिक्सटीन सिक्सटी सेवन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है सेवनटीन सिक्सटी सेवन तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन